वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 83 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के ट्रांसलेशन या फिर ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। कैन मीन्स सकना और शुड मीन्स चाहिए, ये मॉडल एक्सिलरीज हैं। इनका प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही होता है और इनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग में आता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर बता देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कैन और शुड प्लस वी वन, अर्थात वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग में आएगा, ठीक है। मैं दौड़ सकता हूं, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है आई, यहां पर वाक्य अंत में सकता हूं अर्थात सकना है ना, तो आई के साथ कैन प्रयोग करेंगे। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात दौड़ना का क्या होता है रन, मैं दौड़ सकता हूं आई कैन रन, तुम पढ़ सकते हो यू कैन रीड, और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ या तो कैन आएगा या फिर शुड आएगा, ठीक है। यदि वाक्य अंत में सकता हूं सकते हो सकते हैं इत्यादि लगा रहेगा तो कैन प्रयोग करेंगे, और यदि वाक्य अंत में चाहिए लगा रहेगा तो शुड प्रयोग करेंगे, ठीक है। हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस, सीता खेल सकती है, सीता कैन प्ले, वह पढ़ सकती है, लड़की के लिए सी प्रयोग करते हैं तो सी कैन रीड, वह पढ़ सकती है सी कैन रीड, वे लोग दौड़ सकते हैं दे कैन रन, मैं लिख सकती हूं आई कैन राइट, हम लोग काम कर सकते हैं वी कैन वर्क, मुझे पढ़ना चाहिए, यहां पर चाहिए आया है तो शुड प्रयोग करेंगे, ठीक है। मुझे पढ़ना चाहिए आई शुड रीड, हम लोगों को जाना चाहिए वी शुड गो, हम लोगों को जाना चाहिए वी शुड गो, आपको काम करना चाहिए यू शुड वर्क, आपको काम करना चाहिए यू शुड वर्क, सोहन को खेलना चाहिए सोहन शुड प्ले, उन लोगों को पढ़ना चाहिए दे शुड रीड, उसे टहलना चाहिए ही शुड वॉक, उसे टहलना चाहिए ही शुड वॉक, आपको मदद करनी चाहिए यू शुड हेल्प, आपको मदद करनी चाहिए यू शुड हेल्प, आपके भाई को पढ़ना चाहिए योर ब्रदर शुड रीड, आपके भाई को पढ़ना चाहिए योर ब्रदर शुड रीड। ये कुछ कठिन शब्द हैं जो कि आज के एक्सरसाइज में प्रयोग हुए हैं, जैसे कि रन मीन्स दौड़ना, रीड मीन्स पढ़ना, डू मीन्स करना, प्ले मीन्स खेलना, राइट मीन्स लिखना, वर्क मीन्स काम करना, गो मीन्स जाना, वॉक मीन्स टहलना।
हेल्प मीन्स मदद करना, कैन मीन्स सकना, शुड मीन्स चाहिए। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आज का क्लास आप लोगों को हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।